हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे सेल्फ फ्यूज़न एक्सपेरिमेंट के बारे में, ओके, जो कि सबसे पहले 1970 में राव एंड जॉनसन दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर ये पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट किया था, जो कि ये जानने के लिए उन्होंने किया था कि जो सेल डिवीज़न है, हम जानते हैं आजकल कि सेल डिवीज़न में चार फेजेस होते हैं। G1 फेज सबसे पहले आता है, देन इट लीड्स टू एस फेज, देन इट लीड्स टू G2 एंड देन अल्टीमेटली M फेज अकर्स। सो ये जो ऑर्डरली इवेंट है, पहले G1 आएगा, उसके बाद S फेज, उसके बाद G2 एंड उसके बाद M फेज, इसी ऑर्डर को जानने के लिए इन्होंने सेल फ्यूजन का एक्सपेरिमेंट किया था। तो सबसे पहले देखते हैं इन्होंने मॉडल ऑर्गेनिज्म कौन सा लिया था। इन्होंने एक वायरस लिया था एंड उसके साथ एक मैमेलियन सेल को कंसिडर किया था। जो वायरस था उसका नाम था सेंडाई वायरस एंड मैमेलियन सेल, इन दोनों का जो न्यूक्लियस है या फिर ये जो दोनों सेल्स हैं, उन्होंने दोनों सेल को सबसे पहले फ्यूज कराया। फ्यूज कराने के बाद साइटोप्लाज्म तो एक ही रहेगा, एक साइटोप्लाज्म के अंदर दो न्यूक्लियस हो गए, एक वायरस का और एक मैमेलियन सेल का। और इसी स्टेज को इन क्या बोला जाता है, हेटेरोकैरियन। हेटेरोकैरियन का मतलब क्या होता है, हेटेरो का मतलब डिफरेंट, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। इसका मतलब एक सेल के अंदर दो अलग अलग तरह के न्यूक्लियस हैं, इसी वजह से इस पर्टिकुलर सेल का नाम या फिर एक पर्टिकुलर कंडीशन का नाम हो जाता है हेटेरोकैरियन। तो चलिए सबसे पहले एक एक करके तीनों एक्सपेरिमेंट्स को डिटेल में स्टडी करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक सेल है जो कि G1 फेज में है, और दूसरा सेल यहाँ पे लिया गया है जिसका न्यूक्लियस की अभी S फेज में प्रेजेंट है। जब इन दोनों सेल का फ्यूजन कराया गया तो एक हेटेरोकैरियन का फॉर्मेशन हुआ। इसी के अंदर क्या देखा गया कि जो सेल या फिर जो न्यूक्लियस पहले G1 सेल में हुआ करता था, वो न्यूक्लियस इमीडिएटली S फेज में कन्वर्ट हो गया। मतलब सबसे पहले G1 फेज हम जानते हैं रेस्टिंग फेज में था, और रेस्टिंग फेज में होने के बाद जैसे ही ये न्यूक्लियस S फेज के न्यूक्लियस के कॉन्टेक्ट में आता है, तो S फेज के न्यूक्लियस कुछ ऐसे फैक्टर्स का रिलीज कर रहे होते हैं जो कि G1 फेज में जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है उसको वो इन्फ्लुएंस कर रहा है, एंड उसी की वजह से G1 फेज में जो न्यूक्लियस पहले था वो S फेज में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब दोनों अभी S फेज न्यूक्लियस में यहाँ पे आ जाएंगे। सो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट देखते हैं कि नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या बोलना चाह रहा था। सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने लिया G2 फेज का एक न्यूक्लियस, उसके साथ एक S फेज का न्यूक्लियस लिया। उसके बाद यहाँ पे जो इन्हें हेटेरोकैरियन मिला उसका जब इन्होंने स्टडी किया तो इन्होंने देखा कि G2 फेज के न्यूक्लियस में कोई बदलाव नहीं आया है। मतलब ये पहले एक यहाँ पे S फेज का न्यूक्लियस था जहाँ पे कि DNA का सिंथेसिस हो रहा था, एंड दूसरा न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट था G2 फेज का न्यूक्लियस। G2 फेज के न्यूक्लियस एज इट इज उसी फेज में रहा, लेकिन S फेज का न्यूक्लियस अपना DNA सिंथेसिस कंटिन्यू करता गया। मतलब G2 फेज का जो न्यूक्लियस है उसका S फेज के न्यूक्लियस के साथ कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ। लेकिन पहले वाले एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या देखा था कि जो G1 फेज का न्यूक्लियस है वो S फेज के न्यूक्लियस से इन्फ्लुएंस हो रहा था, लेकिन G2 फेज का जो न्यूक्लियस है वो S फेज के न्यूक्लियस से इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है, क्योंकि वो पहले ही अपना DNA सिंथेसिस कंप्लीट कर चुका है और वो उसी फेज में है, लेकिन S फेज का न्यूक्लियस अपना DNA सिंथेसिस कंटिन्यू रख रहा है। थर्ड एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करते हैं, जहां पे कि ये था कि सबसे पहले इन्होंने एक G1 फेज का न्यूक्लियस लिया और G1 फेज का एक सेल लिया, उसके बाद एक G2 फेज का सेल लिया, और यहाँ पे जब फ्यूजन हुआ, फ्यूजन होने के बाद जो हेटेरोकैरियन इनको मिला, यहाँ पे भी इन्होंने क्या देखा कि G2 फेज में जो न्यूक्लियस था उसका कोई भी इफेक्ट G1 फेज में नजर नहीं आ रहा है। मतलब G2 फेज का न्यूक्लियस एज इट इज अपना काम करता चला गया, एंड G1 फेज का न्यूक्लियस भी एज इट इज अपना काम करता चला गया, इसमें इन्होंने कोई इफेक्ट नहीं देखा। इसके साथ साथ एक और एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था जो एक्सपेरिमेंट नंबर 4 कहलाता है। उसमें इन्होंने क्या लिया था, कोई भी इंटरफेस का एक न्यूक्लियस, ओके, मान लेते हैं ये कोई भी इंटरफेस का एक न्यूक्लियस है, G1 हो गया, S हो गया या फिर G2 हो गया, इसको अगर इन्होंने M फेज न्यूक्लियस के साथ फ्यूज कराया तो इन्होंने ये देखा कि इमीडिएटली जो इंटरफेस वाला न्यूक्लियस है, यहाँ पे जो हेटेरोकैरियन का स्टेज बन रहा था, इमीडिएटली ये इंटरफेस वाला न्यूक्लियस M फेज में कन्वर्ट हो जाता है या फिर M फेज में रैपिडली ये आना शुरू कर देता है। मतलब M फेज का जो न्यूक्लियस है ये ऐसा कुछ फैक्टर का सिंथेसिस करता है जिसके वजह से कि जो इंटरफेज में है न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस इफेक्टिव या फिर इमीडिएटली
या बहुत रैपिडली एम फेज में आना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या कंक्लूजन दिया वो देख लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सेल बायोलॉजी के एक हर एक एग्जाम के लिए, कि इन्होंने ये कंक्लूजन दिया कि जो सेल साइकिल होते हैं वो कंट्रोल्ड इवेंट्स होते हैं और वो केमिकल से रेगुलेटेड रहते हैं। केमिकल से रेगुलेटेड होते हैं वो कैसे पता चला, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने क्या देखा कि G1 फेज में एक न्यूक्लियस था, S फेज में एक और न्यूक्लियस था। यहाँ पे जैसे ही दोनों न्यूक्लियस को एक साथ लाया गया तो G1 फेज वाला जो न्यूक्लियस है वो S फेज में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब इमीडिएटली S फेज में जा रहा है। तो S फेज डेफिनेटली कोई ना कोई S फेज में जो न्यूक्लियस है वो डेफिनेटली कोई ना कोई केमिकल ऐसा सिक्रीट कर रहा होगा जिसके वजह से कि ये जो G1 फेज में न्यूक्लियस प्रेजेंट है वो S फेज में मूव कर रहा है। उसी तरह से फोर्थ एक्सपेरिमेंट में हमने क्या देखा कि इंटरफेज में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट था, उसी तरह से दूसरा न्यूक्लियस एम फेज में प्रेजेंट था। तो इंटरफेज वाला न्यूक्लियस एम फेज के न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में आके ये इमीडिएटली जो हेटेरोकैरियन बन रहा है उसमें इंटरफेज एम फेज में रैपिडली आना शुरू हो जाता है। तो डेफिनेटली एम फेज में कोई ना कोई ऐसा फैक्टर का सिंथेसिस हो रहा है या कोई ना कोई ऐसा केमिकल बन रहा है जो कि इंटरफेस का जो न्यूक्लियस है उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है अपने पास आने के लिए या अपने एम फेज में कन्वर्ट होने के लिए। तो इसमें से इन्होंने यही कंक्लूजन दिया था कि सेल साइकिल आर कंट्रोल्ड इवेंट्स एंड दीज आर कंट्रोल्ड बाय सम केमिकल सिग्नल्स एंड दे आर ऑर्डर्ड इवेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट था यहाँ पे बताना कि ये ऑर्डर्ड इवेंट्स होते हैं। ऑर्डर्ड इवेंट मतलब सबसे पहले G1 आएगा, उसके बाद S फेज आएगा, देन G2 आएगा एंड उसके बाद M आएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जब G2 फेज को S फेज में हम दोनों को फ्यूज कराते हैं तो S फेज एज इट इज रहता है एंड G2 फेज एज इट इज रहता है। G2 फेज कभी भी S फेज में जंप नहीं कर रहा था, उसका रीजन यही था कि G2 फेज S फेज के बाद आता है और S फेज में ऑलरेडी इसका सेल डिवीजन DNA का जो सिंथेसिस है वो कंप्लीट हो चुका था, इसीलिए वो अगेन S फेज में नहीं गया। तो यहाँ पे हमें कंक्लूजन ये मिला कि जो सेल साइकिल होता है वो ऑर्डरली इवेंट होता है, पहले G1 आएगा, देन S फेज, देन G2 फेज एंड देन M फेज आता है। एंड यहाँ पे जो फेजेस हैं ये सारे रेगुलेट होते हैं अलग अलग केमिकल सिग्नल के थ्रू। वो कौन कौन से केमिकल सिग्नल्स होते हैं उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।